नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं आपको समर कूल की आपकी एंड्रॉयड टीवी जो आती है तो उसके बारे में मैं आज आपको पूरा डिटेल्स में बताऊंगा और इसके बारे में क्या क्या आपको सेटिंग्स मिलती है, क्या क्या रहता है, सब कुछ इसकी जानकारी आपको एक एक करके इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप जैसे देख सकते हैं कि ये आपकी जो समर कूल की आपकी एलईडी टीवी है और ये आपकी 32 इंच एलईडी टीवी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर से आप जब टीवी ऑन करेंगे तो आपको कुछ सेटिंग्स इस तरह से दिखेगी। तो आप जैसे देख सकते हैं कि इसमें समर कूल लिखा हुआ है, एक्शन मूवी हो गया, शुमारा म्यूजिक हो गया, न्यूज़ हो गया, ये आपको इस तरह से मिलेंगे। आपको सेटिंग्स में आपको कैसी सेटिंग्स मिलेगी तो सेटिंग्स में जाने के लिए आपको देख सकते हैं कि यहाँ पर से आना पड़ेगा। तो सेटिंग्स में आपको दिखा देता हूँ कि क्या क्या मिलता है। तो यहाँ पर से आप सबसे पहले आएंगे तो आपको सिस्टम सेटिंग्स का ऑप्शन मिलता है। सिस्टम सेटिंग में आप आएंगे तो सबसे पहले आपको नेटवर्क मिल जाता है। नेटवर्क में आपको यहाँ पर जैसे देख सकते हैं वायरलेस हो गया, नेटवर्क कनेक्शन हो गया और नेटवर्क कनेक्शन आपका वाईफाई कनेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पर बताएगा। फिर इसके बाद आप बैक करेंगे तो आपको यहाँ पर से टाइमिंग का ऑप्शन मिल जाता है। तो टाइमिंग में आप जैसे देख सकते हैं तो यहाँ पर आपका जो है तो ऑटो है और कोलकाता वगैरह सेलेक्ट है, तो आप इसमें अपने अनुसार सेलेक्ट कर सकते हैं इसके बाद। और फिर इसके बाद आपको मिलता है कनेक्शन का, तो कनेक्शन में आप आएंगे तो आपको यहाँ पर जैसे देख सकते हैं लॉन्गेज का हो गया, इनपुट का हो गया, जो आपका कीबोर्ड वगैरह होता है उसका हो जाएगा। फिर इसके बाद आपका सिस्टम रिकवरी का हो गया, तो सिस्टम रिकवरी में आप आएंगे तो सिस्टम रिकवरी में आपको क्या क्या मिलता है तो आप देख सकते हैं। यहाँ आपका जो सिस्टम रहेगा तो उसको रिकवरी करने के लिए मांगेगा, फिर इसके बाद आप यहाँ पर से उसको कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पर एडवांस में आएंगे तो एडवांस सेटिंग में आपको जैसे देख सकते हैं ऐप्स हो गया, तो ऐप्स में जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं कि ऐप में कौन कौन से आपके डले हुए हैं और स्टोरेज कितना लिया हुआ है उसको भी आप यहाँ पर से देख सकते हैं। तो ये सभी आपके सेटिंग्स वगैरह हैं, तो इसमें आपका स्टोरेज कितना लिया हुआ है तो यहाँ पर से आप इसको डाल के क्लियर भी कर सकते हैं और ऐप को रिमूव भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद नीचे आएंगे तो डिवाइस नेम आएगा, डिवाइस नेम में आप देख सकते हैं मॉडल नंबर कौन सा डला हुआ है। फिर इसके बाद यहाँ पर आप आएंगे तो अकाउंट में आएंगे, तो अकाउंट में आप जैसे देख सकते हैं कि आपका अकाउंट में आपका ऐड अकाउंट करने के लिए रहेगा, तो इसमें आप जीमेल वगैरह को अकाउंट ऐड कर सकते हैं। फिर इसके बाद आप बैक करेंगे तो यहाँ पर आपको सिस्टम इन्फो का ऑप्शन मिलेगा, तो सिस्टम इन्फो में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं कि सिस्टम इन्फो है। फिर इसके बाद आपका मेमोरीज हो गया, तो इसके बाद आप आएंगे तो मेमोरी का ऑप्शन है, एंड्रॉयड आपका वर्जन कौन सा डला हुआ है, एंड्रॉयड वर्जन आपको मिल जाएगा और इसमें आप देखेंगे मॉडल कौन सा है, मॉडल भी देख सकते हैं, फॉर्मल वर्जन आप देख सकते हैं। और इसके बाद प्रोसेसर आपका कौन सा डला है, कोर 4 डला हुआ है, सीपीयू आप देख सकते हैं माली 400 डला हुआ है, बैच नंबर भी आपका डला हुआ है। यहाँ पर एड्रेस वगैरह आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये आपका सेटिंग्स हो गई टीवी की। इसके बाद आप बैक करेंगे, होम में आएंगे तो होम में आने के बाद यदि आपको ऐप देखना है तो ऐप आपको कौन कौन से मिलते हैं तो उसमें आपको सबसे पहले ऐप में आना पड़ेगा यहाँ पर से। तो यहाँ पर से आप आएंगे तो सबसे पहले मीडिया सेंटर मिलेगा, OTA प्लेटफॉर्म को मिल जाएगा ऑप्शन, ब्राउजर का ऑप्शन मिल जाएगा, TV असिस्टेंट हो गया, ये सभी आपको इसमें ऐप्स मिल जाएंगे देखने के लिए। तो ये सभी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आपको करना है, तो ये सभी कुछ आप इसमें रहेगा। तो वीडियो आपको कैसी लगी, यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल से पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना ऐसे लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। तो वीडियो देखने सभी मित्रों का मेरा बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।